Hi viewers, welcome to my channel Subject Guru. In this video we will do question number 1 and 2 exercise 5.2 and in previous video we have done the basic concept of this exercise, so you must watch that video. So now we start question here. Find the modulus and argument in question 1 and 2. तो इस एक्सरसाइज के हमें ओनली वन और टू क्वेश्चन करने हैं. रेस्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज के पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, और पोलर फॉर्म हमारे 70% कोर्स में नहीं है. सो लेट्स सी क्वेश्चन. तो क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर. फर्स्ट क्वेश्चन है जेड इक्वल्स टू माइनस आई माइनस रूट थ्री आई माइनस आई माइनस वन माइनस आई रूट थ्री. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कंपेयरिंग कराएंगे किससे. जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई से. ठीक है, तो जब हमने इससे कंपेयरिंग कराई इसकी, तो हमें x की वैल्यू तो मिल गई यहाँ पर माइनस वन विद साइन लेना हमें, और y की वैल्यू हमें मिल गई माइनस के रूट थ्री. ओनली हम i को लीव करेंगे. ठीक है, i को लीव करेंगे. जब हम कंपेयरिंग कराते हैं किसी चीज़ की, तो जो उसमें होता है उसको छोड़ देते हैं हम अच्छे से नॉन है इस बात से. तो अब मुझे ये बताइए, चलो वो तो बात की बात है किस क्वाड्रेंट में, वो तो हम बाद में देखेंगे. अब देखिए, सबसे पहले हम अप्लाई कर देंगे, वी हैव मॉडुलस का अप्लाई कर देंगे. तो मॉडुलस बराबर हमारा क्या था फॉर्मूला, मैंने बताया था इसके बेसिक इंट्रोडक्शन में. मॉडुलस बराबर था आर बराबर, क्या था आर बराबर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. क्या फॉर्मूला था हमारा, मॉडुलस का एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर. इसमें वैल्यू पुट कर दो. तो जब हमने वैल्यू पुट की हुई है भैया, माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस रूट थ्री होल स्क्वायर. सो हमें गेट हो गया वन प्लस थ्री. सो वन प्लस थ्री किसका है, रूट फोर मिल गया. ठीक, तो मॉडुलस आर इक्वल्स टू जो वैल्यू हमें मिल गई टू मिल गई. तो एक आंसर तो हमें यहाँ पर गेट हो गया, जो मॉडुलस हमारा निकल कर आ गया टू निकल कर आ गया. ठीक है, वन आंसर गेट हो गया. अब हमें आर्गुमेंट निकालना, तो बिफोर फाइंडिंग द आर्गुमेंट हमें अल्फा निकालना पड़ता. ठीक है, तो अल्फा के लिए हम क्या अप्लाई करते थे बताइए, अल्फा के लिए हम क्या अप्लाई करते थे. अल्फा इक्वल्स टू हमारा होता था टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, किस में, मोड में. ठीक है, ये अप्लाई करते थे हम. पहले तो हमें अल्फा निकालना पड़ेगा ना इसके लिए, तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी जो जिसकी वैल्यू है. वाई की वैल्यू हमारी माइनस के रूट थ्री, और एक्स की वैल्यू माइनस वन. माइनस से माइनस कैंसिल आउट. सो टेन इनवर्स जो हमारा हो गया रूट थ्री हो गया. अब रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है टेन के केस में, टेन के केस में रूट थ्री जो वैल्यू होती है 60 की होती है. तो यहाँ पर हमने टेन 60 पुट कर दिया. टेन और एक इनवर्स में है और दूसरा विदाउट इनवर्स में है टेन, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं. ये आप 12th क्लास में पढ़ोगे चैप्टर नंबर थ्री में. ठीक है, चैप्टर नंबर थ्री में नहीं, चैप्टर नंबर टू में पढ़ोगे ये. अब थीटा की जो वैल्यू होती है ना, ये जो होती है डिग्री में होती है, रेडियन में हमारी पाई बाई थ्री होती है. चैप्टर नंबर थ्री है क्लास इलेवेंथ में. तो यहाँ पर हमारी ये वैल्यू आ गई, बट ये जो वैल्यू आई हमें अल्फ़ा की मिली, लेकिन हमें किसकी फाइंड आउट करनी थी, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी थीटा की. थीटा ही तो हमारा आर्गुमेंट होता, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इनको चेक करेंगे. देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जैसे कि मैंने तुम्हें
इसकी बेसिक इससे पहले वीडियो में बताया था, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये एक्स और वाई जो है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो देखिए दोनों ही माइनस हैं, जब दोनों माइनस है तो माइनस माइनस तो इस क्वाड्रेंट में होता, तो ये जो एक्स वाई लाई करेंगे इस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, यहाँ पर ही लाई करेंगे माइनस वन कोमा माइनस रूट थ्री थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ठीक है, तो आर्गुमेंट का मैंने क्या वे बताया था कि यहाँ जो होगा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की जो वैल्यू होगी अल्फा के इक्वल होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा की जो वैल्यू होगी पाई माइनस अल्फा होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में जो थीटा की वैल्यू होगी माइनस पाई प्लस अल्फा होगी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो थीटा की वैल्यू होगी थीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा होगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो थीटा क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू होगा हमारा माइनस पाई प्लस पाई बाई थ्री। यहाँ पर वन ले लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम जब लेंगे हमें क्या मिलेगा, एलसीएम लेंगे हमें माइनस थ्री पाई प्लस अल्फा प्लस पाई ओवर थ्री। अब देखिए ये वन है ये माइनस टू है, सो हमें माइनस के टू पाई गेट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा थ्री में से वन, तो ये हमें थीटा की वैल्यू हो गई। इट मीन्स हमारा क्या मिल गया, ये हमारा आर्गुमेंट मिल गया, आर्गुमेंट। ठीक है, आर्गुमेंट इसे बोल सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड आंसर आ गया। अब बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो, बहुत इजी है, पोलर फॉर्म में तो हमें कन्वर्ट ही नहीं करना, बस आर और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। रूट माइनस रूट थ्री, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो जेड की वैल्यू है माइनस रूट थ्री प्लस आई, फिर हमने जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई से इसकी कंपेयरिंग कराई तो हमें एक्स की वैल्यू कितनी गेट हो गई, एक्स इक्वल्स टू मुझे रूट थ्री मिल गया, और वाई इक्वल्स टू यहाँ पर मैं वन काउंट करूँगा तो y की वैल्यू मुझे 1 मिल गई। ठीक है, जब i के साथ कोई वैल्यू नहीं होती तो 1 काउंट करते हैं, ये तो हम अच्छे से जानते हैं। अब हमने मॉडुलस का फॉर्मूला लगाया, मॉडुलस बराबर r से इसे डिनोट करते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वैल्यू पुट की हमने माइनस रूट थ्री होल स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, सो हमें गेट हो गया थ्री प्लस वन इक्वल्स टू रूट फाइव रूट फोर, तो आर की वैल्यू हमें रूट फोर गेट हो गई, और रूट फोर किसका स्क्वायर रूट होता, ये हमें मिल गया यहाँ पर आर स्क्वायर टू गेट हो गया, ये हमें आर स्क्वायर टू क्या मिला, ये मॉडुलस गेट हो गया, सो वन वैल्यू वी विल गेट है या। ठीक, अब सेकंड की बात करते हैं, सेकंड के लिए हमें आर्गुमेंट के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा निकालना पड़ेगा, तो अल्फा के लिए हमने क्या किया, नाउ हम अल्फा को फाइंड कर रहे हैं, तो अल्फा के लिए हमने क्या किया बताइए, अल्फा इक्वल्स टू हमारा होता है टेन इनवर्स मॉडुलस वाई ओवर एक्स, वैल्यू डाल दो इसमें या पुट कर दो, वी कैन से पुट वैल्यू पुट करो, तो हमने जब वैल्यू पुट की तो इसकी वैल्यू वी हैव माइनस रूट थ्री, और इसकी वैल्यू एक्स की है हमारी, सॉरी एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू क्या है हमारी, वाई की वैल्यू वन है और एक्स की वैल्यू माइनस रूट थ्री, इजंट इट। तो देयर आफ्टर जब हमने इसका वो ले लिया, मोड ले लिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पर क्या मिलेगा हमें मिलेगा टेन इनवर्स
मोड कैंसिल, वन ओवर रूट थ्री मिल गया। अब वन ओवर रूट थ्री किसकी वैल्यू है, ये टेन थर्टी की ही वैल्यू है, मतलब टेन थर्टी की वैल्यू होती है। टेन से टेन कैंसिल आउट, अल्फा की वैल्यू हमें थर्टी मिल गया, और थर्टी को हम रेडियन में पाई बाय सिक्स राइट करते हैं। ठीक, अब हमें ये देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अभी तो हमने अल्फा फाइंड किया, आप देखिए यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक, एक्स तो मेरा क्या है, निगेटिव है, और वाई मेरा पॉजिटिव है। एक्स मेरा निगेटिव है तो ये होता प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस। तो मेरा ये एक्स एक्स माइनस है, एक्स माइनस है, वाई प्लस है, तो किस में लाई करेगा, ये लाई करेगा इसमें, इसमें लाई कर जाएगा ये। ठीक, जब इसमें लाई कर दिया तो थीटा की जो वैल्यू आ गई मेरी, आर्गुमेंट जो आ गया मेरा, थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है मेरी, पाई बाई सिक्स है, सो वी पुट वन है, तो क्या गेट हो जाएगा, टेन फाइव पाई माइनस एल सिक्स पाई, सॉरी सिक्स पाई माइनस पाई ओवर सिक्स, सो फाइव पाई ओवर सिक्स मेरी किसकी वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू गेट हो गई, इजंट इट। तो ये मेरा आर्गुमेंट आ गया, और पहला मेरा क्या था, मॉडुलस गेट हो गया था मुझे। ठीक है, सो इन दिस एक्सरसाइज वी हैव डन टू क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड, बोथ क्वेश्चन आर रिलेटेड टू अवर कोर्स, रिमेनिंग क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड अवर कोर्स ऑफ एक्सरसाइज 5.2। सो होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।